हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में, जिसका नाम है पुष्पा इंडियन ब्लॉगर। तो ये देखिए, ये गुलाब जामुन का पैकेट है। तो ये है 200 ग्राम का पैकेट। आज इसी का मैं रेसिपी शेयर करूँगी, गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बर्तन में मैं ये निकाल ली हूँ पैकेट से, और मैं दूध की हेल्प से मैं इसे गूँथ लूँगी। तो आप चाहे तो पानी से भी गूँथ सकते हैं। और मुझे एक कप दूध लग गया था गूँथने में, तो इसे अच्छे से मैं गूँथ लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से हथेली पे बना लेंगे लोई। तो ये देखिए, इस पे बिल्कुल फिर दरार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका मिठाई मतलब फटने का डर रहता है गुलाब जामुन। तो एक तरफ मैं चाशनी भी डाल दी हूँ गैस पर। तो 1.5 गिलास पानी डाली हूँ और उसमें मैं 2 कप चीनी डाली हूँ। और चाशनी बन रहा है हमारा। और दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई डाली हूँ और उसमें तेल डाली हूँ, तेल में ही फ्राई करूँगी। तो तेल हमारा गर्म हो गया था, तो मैं गैस कम कर दी हूँ। उसके बाद मैं ये जो लोई गोलियाँ बनाई थी गुलाब जामुन की, उसे डाल दी हूँ और फ्राई कर रही हूँ। गैस कम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो गैस तेज पे फ्राई करने से ऊपर का जो लेयर होता है वो डार्क हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाता है, इसलिए इसे गैस कम करके फ्राई करेंगे। तो आपको जैसा भी कलर चाहिए उस मतलब अभी तो हमारा हल्का कलर हुआ है, अभी और मैं डार्क करूँगी। और ये मैं आपको चाशनी भी दिखाती हूँ। तो ये अच्छे से खौलने लगा है, इसमें चीनी घुल चुका है। और इसमें मैं इलायची पाउडर मैं डाल दी हूँ। और ये देखिए, हमारा कलर इसका अच्छा सा आ गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन बना लूँगी। और हमारा चाशनी भी रेडी हो चुका है। तो इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है, तो मैं इस गैस बंद कर दी हूँ। और गुलाब जामुन मैं इसमें डाल दी हूँ, चाशनी अभी हमारा गर्म है और मैं इसमें डाल दी हूँ। और ये देखिए, मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा, इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है गुलाब जामुन का, आप देख सकते हैं। तो अभी तो ये कुछ देर के बाद और भी इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, काफ़ी आसान है बनाने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके बताइएगा।